नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिकल यूट्यूबर पे। दोस्तों मैं हूं अवनीश। तो दोस्तों आज आपको बताऊंगा डाइसिन टेबलेट के बारे में। डाइसिन टेबलेट का क्या डोज होता है, किस बीमारी में ली जाती है, किस किस नामों से मिलती है मार्केट में। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे जो रेड कलर की बटन दिख रही है उसको पुश कर दीजिए, पास में एक घंटे का निशान दिख रहा है उसको भी पुश कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। यदि आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन या बीमारी से संबंधित जानकारी चाहिए तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं के बारे में। तो डाइसिन कैप्सूल या टेबलेट अर्थोक्यून ग्रुप की एक बहुत ही अच्छी दवा है, जिसे एडायरेक्सिलिन भी कहते हैं या एक एलोसेक्सटिन मेडिसिन है दोस्तों, जिसका प्रयोग जॉइंट डिसीज, अर्थराइटिस, जोड़ की बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लंबे समय तक करना पड़ता है, फिर यह अपना असर बताती है। इस दवा के साथ में पैन किलर भी दी जाती है दोस्तों के बारे में। तो डाइसिन कैप्सूल या टेबलेट अर्थोक्यून ग्रुप की एक बहुत ही अच्छी दवा है, जिसे एडायरेक्सिलिन भी कहते हैं या एक एलोसेक्सटिन मेडिसिन है दोस्तों, जिसका प्रयोग जॉइंट डिसीज, अर्थराइटिस, जोड़ की बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लंबे समय तक करना पड़ता है, फिर यह अपना असर बताती है। इस दवा के साथ में पैन किलर भी दी जाती है दोस्तों। बात करें दोस्तों जोड़ हड्डी रोगों के बारे में तो अर्थराइटिस उसमें सबसे पहला नाम आता है बीमारी का। अर्थराइटिस हड्डियों में स्वेलिंग आना दोस्तों, ये अर्थराइटिस ही हो जाता है, और उसमें दर्द भी रहता है, उस कारण आपको बड़ी परेशानी रहती है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए डाइसिन कैप्सूल टेबलेट लेने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस दी जाती है, और डाइसिन जोड़ों में होने वाली बीमारी को ख़त्म करता है। साथ ही डीजनरेट डिजिटी ऑफ बोन नाम से एक जो बीमारी है दोस्तों, उसमें भी ये डाइसिन काम करती है। हड्डियों की डीजनरेट शुरू हो जाता है जिसमें, उसमें डाइसिन डॉक्टर ज़रूर देते हैं दोस्तों। जब जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तब उसमें डाइसिन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, उसमें डॉक्टर ज़रूर एडवाइस देते हैं डाइसिन की दोस्तों। हड्डियों में यदि सूजन आ गई है तो डॉक्टर एडवाइस देते हैं डाइसिन देने के लिए दोस्तों। मैं यूज़ तो बता दिए हैं मैंने डाइसिन के बारे में, अब इसके ब्रांड भी बता देते हैं किस किस नाम से ये मार्केट में आसानी से मिलने में आसानी हो। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको किस किस नामों से ये मिलेगी मार्केट में। तो दोस्तों सबसे पहले डोरा जॉइंट के नाम से ये मिलती है, दूसरा यूरोसिन के नाम से मिलती है, तीसरा डाइसिन के नाम से मिलती है, चौथा हेलिन। अदर में बहुत सी ब्रांड हैं जो कि बड़ी आसानी से भी मिल जाती हैं दोस्तों। इन सभी ब्रांड नेम आसानी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं रहती, जो हमने बताया है मार्केट में मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा और खूब सारी ब्रांड हैं जो अलग अलग एरिया और डॉक्टर्स की चूज़ रहती है। इसे डोज के बारे में बात करें अगर तो दोस्तों 50 mg की टेबलेट, 50 mg की टेबलेट एडल्ट ओल्ड एज पेशेंट जिसको हड्डियों में की प्रॉब्लम है उसको दी जाती है, यानी कि 50 mg टेबलेट जो ओल्ड पेशेंट होते हैं यानी कि बूढ़े पेशेंट, उनको 50 mg की टेबलेट सामान्यतः दिन में एक बार दी जाती है। इसके दो अब मैंने दोस्तों इसकी डोज भी बता दिया है, अब चलते हैं साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इसके। तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट बहुत ही असर डालते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो दोस्तों दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। यदि किसी को दस्त लगना शुरू हो जाता है डाइसिन लेने से तो तुरंत दवा बंद करके अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और दोस्तों येलो यूरिन यानी कि पीली पेशाब भी होने लग जाती है, स्किन प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, चकत्ते पड़ जाना, खुजली होना, इचिंग होना, वोमोटिंग दोस्तों, उल्टी भी होने लगती हैं, येलो स्किन एंड आई, आंखें पीली पड़ जाएंगी, लाल पड़ जाएंगी या येलो हो जाएंगी, ऐसी कोई परेशानी आपको लगे दोस्तों तो दवा बंद करके तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और यह दवा बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। यदि किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए दोस्तों तो मुझे भी कमेंट करके आप बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।